के दस्तखान से, नानों के किचन से, प्यारे प्यारे बहनों को प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों को टी तो बहुत सारे बताए हैं, आज मैं एक दूसरी टी बता रही हूँ जो आजकल बहुत सारा वायरस फैला हुआ है, वायरल हुआ हुआ है। सबको फ्लू हो रहा है, कफिंग हो रही है, बुखार हो रहा है, जिसम में दर्द हो रही है, जो एनर्जी डेवलप करने के लिए अपनी बॉडी में, और ये फ्लू और इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। डेली बच्चों को खुद भी एक दफ़ा ज़रूर बनाइए और पिलाइए, उसमें बहुत मेहनत भी नहीं है। ये देखिए मैंने पानी चूल्हा मैंने जला लिया था, ओवन को मैंने ऑन कर दिया था, पानी मैंने चूल्हे पर रख दिया था, ये पानी बॉयल होता रहे और ये देखिए पानी उबल रहा है। अब मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी वो मैं दिखा रही हूँ। अच्छा देखिए, ये हरा धनिया है, कोरिएंडर, आप पार्सले भी डाल सकते हैं। इसमें बड़ी एनर्जी होती है, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमें तो वक्त के साथ अब पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको। ये हरा धनिया देखिए, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये अदरक मैंने जुलियन कटी हुई थी वो डाल दिया। आजकल चाय भी बहुत मसाले वाली बनने लगी है ना। और ये हल्दी, हल्दी जो बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी जरासीम को, इतनी इसको ख़त्म करती है, मारती है, वो देखिए थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें डाल दी। अब ये चाय इसमें पक रही है, 5 मिनट तक ये इसमें पकाऊंगी ताकि इसका जितना भी जूस है, हरा धनिया का, जिंजर का और हल्दी का, वो सब इसमें इन्हेंस हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी, लेमन डालूंगी, 1 चम्मच शहद डालूंगी और उसको पीऊँगी। मैं डेली पीती हूँ ये आजकल मौसम की वजह से, और मैं बच्चे जो हमारे घर में बीमार हो रहे हैं, जिनको फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, कफिंग हो रही है, हम उनको भी दे रहे हैं। इसके बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदेमंद चाय है ये, बॉडी के पूरे जिस्म को, दर्द को निकालती है। अगर रात को सोते वक्त बच्चों को पिला दीजिए या दिन में किसी एक वक्त पिलाइए, मगर ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। अब ये देखें चाय 5 मिनट से पक रही है, इसको बहुत अच्छे से पकाना है ताकि जितना भी अदरक यानी जिंजर का, हरा धनिया का और हल्दी जितना भी है, उसमें खुद पक पक के ना उसके अंदर एक टेस्ट आ जाए, उसका फ्लेवर आ जाए। अब ये 5 मिनट में पका रही थी, अब मैं फ्लेवर ओवन को बंद कर रही हूँ और अब मैं ये बना के दिखा रही हूँ आपको। ये ज़रूर बनाइए, आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत। ये देखिए चाय का कलर तो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि हल्दी तो एक एंटी वो है, बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे यखनी भी बना के पिलाते हैं तो उसमें मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ, जिससे क्या होता है बच्चों को बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है और बच्चे बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने लेमन डाला, अब मैं इसमें शहद डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप जब पीना शुरू करेंगी डेली रेगुलर बेस पर, या तो रात को सोते वक्त पी लीजिए या फिर दिन में किसी एक वक्त आप ज़रूर पीजिए। बदन का, हाथ का दर्द, पैरों का दर्द, जो रातों को नसें चढ़ जाती हैं इंसान की, वो सब जो सब चीज़ों से ही फ़ायदा देता है आपको। बदन के सारे दर्द का, बुखार, फ्लू और जो आजकल वायरस है, वो सबसे आपको बचाएगा। ज़रूर ये चाय ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को पिलाइएगा, और हमेशा मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी चीज़ें कुछ बना के ला के देती हूँ। मौसम के हिसाब से वायरस फैला हुआ है तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बनाइए, पिलाइए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चाय कितनी फ़ायदेमंद है। मैं पी रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह हर वायरस से हर इससे मैं बची हुई हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को पिलाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।